हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से गुलदाउदी के फूल से। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डायंथस प्लांट के ऊपर, मतलब उसमें ऐसा कौन सा एक फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको उसको डालने के बाद, उस फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के बाद और किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होगी। वो फर्टिलाइजर आपके डायंथस प्लांट के लिए प्रॉपर होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, ये है मेरा डायंथस प्लांट। इसको मैं जब लेकर आई थी तो काफ़ी छोटा था, एक दो ब्रांच ही थी इसमें, और मैंने इसकी एक दो कटिंग भी लगाई और ये सफल हो गया। मैं उसकी कटिंग भी एंड में दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए, साइड साइड से कितने सारे इसके पप्स निकल रहे हैं। और ये मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने वुड ऐश इसमें इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं है कि मैं जो सारी चीज़ें बताती हूँ वो खुद इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं जो भी चीज़ें खुद इस्तेमाल करती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो डायंथस का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि अगर आप थोड़ी सी केयर करो तो ये आपके पास पूरे साल बना रहता है। साल दो साल आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हो और ये भूसी होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विंटर में फ्लावरिंग करता है, ये समर में भी फ्लावरिंग करता है। मेरे पास भी मेरा प्लांट था एक, लेकिन किसी रीजन से वो खराब हो गया। तो ये देख रहे हो, इस पर फूल आ रहे हैं कंटिन्यू। ये ऐसा प्लांट ही है जिसपे कि कंटिन्यू फ्लावरिंग आती है और इसे कुछ ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी में हम लोग एक बार फर्टिलाइज़र डालकर इसको लगा देते हैं, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इसे साइड साइड से ज़्यादा पप्स निकलते रहें, ये प्लांट भूसी हो जाए, इसके लिए इसमें हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करती हूँ जिससे कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है। मेरा पहला मैंने वीडियो डाला है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इतना भूसी, इतना अच्छा हेल्दी प्लांट नहीं था, जबकि मैंने अब तो इसमें से तीन चार ब्रांच निकालकर अलग भी लगा लिया है और वो भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, खूब अच्छे से काम कर रहा है। और इस पर छोटी छोटी सी जो काले काले से कीड़े होते हैं विंटर में, सभी प्लांट पे दिख जाते हैं, वो इस पर भी दिखने लगा था। तो मैंने बस इस वुड ऐश का इस्तेमाल कर दिया था, एक लेयर कर दी थी साइड साइड से पूरा, ताकि ये खूब अच्छे से ग्रो करे। क्योंकि वुड ऐश में भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे मिट्टी को स्ट्रांग बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और प्लांट खूब अच्छे से सरवाइव करता है, ग्रो करता है। लीव्स वगैरह कर्ली नहीं होती है, वैसे भी इस प्लांट की लीव कर्ली नहीं होती है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट, और इसकी बहुत सारी अलग अलग वेराइटी आती हैं। ये मुझे 15 रुपये में मिला था, पर ये बहुत ही छोटा था। अभी ये देखिए कितनी हेल्दी हेल्दी ब्रांचें आ रही थी, और मैंने बताया भी था जब मैं इसको लेकर आई तो ये बहुत ही छोटे पॉट में लगा था और कोको पीट के अंदर इसकी रूट बाउंड हो चुकी थी, ये ग्रो ही नहीं कर रहा था। एक महीने हो गए ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रह गया। तो मैंने एक बार इसको फिर से निकाला और रूट चेक किया तो रूट बाउंड हो चुका था। कोको पीट में इसकी रूट जैसे लग रहा था गुच गई है। तो मैंने फिर से इसको पानी में डाल के इसकी रूट को उस कोकोपीट से हटाया, उसकी फिर रूट को मैंने फैलाकर, जिस तरीके से हम अडेनियम वगैरह लगाते हैं उस तरीके से फैलाकर इसकी अच्छी सी मिट्टी बनाई। और मिट्टी ऊपर तक थी तो मैंने मिट्टी को कम कर दिया, क्योंकि ये मेरा पॉट बहुत छोटा है। और ये प्लांट आपका विंटर के साथ साथ समर में भी पूरे साल चल जाएगा। मैं तो बिना ग्रीन नेट के रखी थी नेक्स्ट ईयर, तो भी मेरा चल गया, लेकिन बारिश के दिनों में मैं उसको उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर दी, इसीलिए मेरा प्लांट खराब हो गया। क्योंकि ये प्लांट उन दिनों जिंदा तो रह सकते हैं, पर उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ हो, किसी भी तरीके से उनको डिस्टर्ब किया जाए तो वो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी कारण मेरा भी प्लांट मर गया। तो अभी मैं इसमें भी दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने कई दिनों से ये गोबर की खाद बना के रखी है, और जो मेरे फूल मुरझा जाते हैं वो भी मैं उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि फूल को भिगोकर फिर उसका पेस्टिसाइड प्लांट पे डाला जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैंने भी इतना छोटा मेरा पॉट है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो मैंने इतना ले लिया है। इसमें मैंने पानी भी डिजॉल्व नहीं किया, और इसमें आयरन की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने उस टप में बहुत सारे एक लोहे का जंग लगा हुआ तवा डाला है, जो कि देखिए ये ऊपर ऊपर से आपको चमक ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये आयरन है।
जो कि पानी में डिजोल्व हो गया है। तो इस तरीके से आप इस प्लांट को हफ्ते हफ्ते में या फिर चार चार पांच पांच दिन पे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं भी इसी तरीके से देती हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। काफ़ी बुशी सा हो गया है मेरा प्लांट और ये प्लांट मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैं लेने गई थी नर्सरी तो उसके पास सड़क वगैरह के पास आप देखते हैं तो ठेले पे रख के बेचते हैं प्लांट, मैंने भी उसी से लिया था ये। तो उसके पास सिर्फ एक ही वेरायटी थी और वो मुझे महंगा दे दिया। डायंथस सस्ता मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15, ये मुझे 20 या 25 का मिला था। तो इसी वजह से मैं यही लेकर आई और सारे के सारे प्लांट सेम कलर के थे तो मैंने कहा कि ये कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो हो जाता है। मैंने भी एक सीड पॉट बनने के लिए छोड़ दिया था लेकिन वो सूख के फूट गया और फूटने के बाद इसके सीड इतने छोटे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। मैंने वो सीड लेकर वहाँ अपने अलग से पॉट में डाल दिया है। मैंने सोचा कि इन दिनों हमारे यहाँ बारिश हो रही है, अभी देखिए आज जनवरी की 13 तारीख है और हमारे यहाँ बारिश हुई सुबह सुबह, सॉरी जनवरी की 14 तारीख है और कल 13 तारीख को भी बारिश हुई और आज भी बारिश का मौसम बना हुआ है। अगर आज भी बारिश होगी तो ठंड बढ़ सकती है और इसीलिए मेरे कुछ कोलियस की कटिंग भी गिर गई थी कट के पतंग के माझे से, तो मैंने उसकी कटिंग लगा दी और वो खूब अच्छे से ग्रो हो गई। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप न भूलें। आप देख रहे हैं, आप अगर एक बार इस प्लांट को लगा लिए अच्छी सी किसी मिट्टी में तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। अभी चलिए मैं आपको अपनी कटिंग दिखाती हूँ। एंड गाइस ये देखिए पर्पल हार्ट कितना खूबसूरत खिला है। यहाँ पे भी जो मेरा पर्पल हार्ट है वो भी खिल चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये प्लांट। बहुत डस्ट वगैरह आ गई है क्योंकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मेरा गाँव वाला एरिया है। दिखाती हूँ, ये देखिए कितने हरे भरे खेत दिख रहे होंगे आपको। ये देखिए यही है मेरा डायंथस का एक प्लांट, ये नया है और ये जो आपको कटिंग दिख रही है इतनी छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, ये देखिए साइड से एक नया प्लांट निकल चुका है और भी लगा